तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इस ओएस का जो फील है, जो इस ओएस की वर्किंग है, वो बिल्कुल विंडोज जैसी है। और ये बात तो मैं आपको श्योर होके बोल सकता हूं कि इस ओएस को यूज करके आपको विंडोज एक्सपी की याद आ जाएगी, डेफिनेटली फॉर श्योर। मैं नहीं मानता। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू होने से पहले वो लोग जरूर कमेंट कर देना जिन्होंने विंडोज एक्सपी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूज किया हो। खैर, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है रिएक्ट ओएस। हालांकि ये ओएस आपको विंडोज 10 और 11 जैसा लुक एंड फील नहीं देगा, लेकिन इस ओएस की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और फिर इस ओएस को रन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसका फील कैसा और कैसा इसका यूज केस है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी चीजें हम इस वीडियो में इस ओएस के बारे में जानने वाले हैं, और इस पूरे वीडियो को देखकर आप ये समझ जाएंगे कि इस ओएस को आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम खास बातों की बातें करते हैं। तो पहली खास बात इस रिएक्ट ओएस की यह है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह आपको किसी तरीके के वेंडर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे वेंडर्स पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी तरीके की लाइसेंस की जरूरत है। ये एकदम फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि अगर आप एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं जो विंडोज जैसा दिखे और विंडोज जैसा फील दे, तो आप इस रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आप एक डेवलपर हैं तो इसका सोर्स कोड भी इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी कि अगर आप अपनी तरफ से कोई योगदान इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, कोई फीचर डालना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी कि सीखने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। दूसरी खास बात मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विंडोज के प्रोग्राम एंड ड्राइवर्स आप इसमें रन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक विंडोज यूजर हैं तो आपके लिए इस ओएस के साथ काफी हद तक आसानी बनी रहने वाली है, क्योंकि जो प्रोग्राम आप विंडोज में यूज कर सकते हैं वो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तीसरी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, रिएक्ट ओएस विंडोज से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर यूजर कम है। कम क्या है ही नहीं, सीधी सी बात है, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहीं वायरस होंगे, सिंपल सा लॉजिक। खास बात एक और है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो ये कि ये एकदम लाइट वेट ओएस है। अगर आपके पास 1 GB रैम भी है तो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सफिशिएंट है, आप इजीली चला सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम मरा हुआ पड़ा है तो उसमें जान डालने के लिए ओएस ठीक है, आप उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जान डाल सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको इसको यूज करके बताता हूँ, उसकी खास बातें हो गई हैं, बाकी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पर आप समझ जाएंगे कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करें या ना करें, या फिर किस कंडीशन में करें। तो वर्चुअल मशीन में मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ, बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसको सिस्टम में इंस्टॉल करके ही बता दूंगा, डिस्क में इंस्टॉल करके ही बता दूंगा, ड्यूल बूट में इंस्टॉल करके ही बता दूंगा। तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, लेकिन वो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा। तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम में, तो चलिए चलते हैं अपने पीसी में और रिएक्ट ओएस को डाउनलोड कर लेते हैं। सीधा अपने गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड रिएक्ट ओएस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आएगी। सीधा इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड बूट सीडी का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको बिना डोनेट किए हुए सीधा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। 100 MB की यहाँ पर एक zip फाइल डाउनलोड होगी, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा, फोल्डर में आपको मिलेगी ISO इमेज, ठीक है, एक ISO फाइल मिलेगी। अब इस ISO फाइल का यूज आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे तो बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं इसकी और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल बॉक्स या फिर वर्चुअल मशीन में इसका यूज ले सकते हैं। तो ये है रिएक्ट ओएस की ISO इमेज। तो वर्चुअल बॉक्स को भी हम डाउनलोड कर लेना यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको सीधा गूगल पे लिखना डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, देन यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में डाउनलोड का बटन यहाँ पे मिलेगा, और डाउनलोड पे जाने के बाद आप विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करेंगे अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो, और वर्चुअल बॉक्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सर्च में गया और वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे सर्च किया और ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा, सिंपल इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आपको सीधा न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद विंडो ओपन होगी, नेम डाल देना है आप जिस ओएस का यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, देन फोल्डर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, यानी कि जिस भी ड्राइव में आपके पास स्पेस हो आप उसमें ये स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे सी ड्राइव में स्पेस है तो मैं यहाँ पे सी ही रहने देता हूँ, आप चाहें तो ड्राइव यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं।
ISO इमेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमने डाउनलोड करी है रिसेंटली ReactOS की, तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो है नहीं ना ही लिनक्स है, तो मैं यहाँ पे अदर टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर देता हूँ। वर्जन इसका अदर अननोन 64 bit यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं आगे। अगर आप 32-bit बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 32-bit बेस्ड यहाँ पर वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर अननोन ओनली सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपने सिस्टम में से जितनी रैम आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास 2 GB है तो 1 GB दे दीजिएगा, 4 GB है तो 2 GB दे दीजिएगा। अब मेरे पास 16 GB है तो मैं यहाँ पे लगभग नियर अबाउट 4 GB यहाँ पे इसको दे रहा हूँ। प्रोसेसर आपके पास जितने हैं उसमें से आधे आप दे सकते हैं, 4 हैं तो 2, 8 हैं तो 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे 8 में से 4 दे दिए। देन उसके बाद आपको वर्चुअल हार्ड ड्राइव क्रिएट करने के लिए एक स्पेस यहाँ पे देना पड़ेगा जिसमें सभी फाइल्स आपकी इंस्टॉल होगी और साथ ही जो भी ऐप्स आप डाउनलोड करेंगे इन फ्यूचर वर्चुअल मशीन में वो उसमें इंस्टॉल होगी। तो मैं यहाँ पे नियर अबाउट 30 GB स्पेस यहाँ पे इसको दे देता हूँ, ठीक है। 30 GB सफिशिएंट रहेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट किया, देन फिनिश किया और यहाँ पे वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई है। अब इस वर्चुअल मशीन को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करके। और वर्चुअल मशीन जैसे स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस वर्चुअल मशीन में स्पेस में वर्चुअल हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ReactOS यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो गया है, हमने यहाँ पे कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो रहा है। ब्लू स्क्रीन इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन मोड में कर देता हूँ और साथ ही इसको स्ट्रेच मोड में कर देता हूँ जिससे कि एकदम फुल स्क्रीन का लुफ्त हम यहाँ पे उठा पाएँ। ओके, तो स्केल्ड मोड पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और स्विच किया और यहाँ पर स्केल्ड मोड कुछ इस तरीके से नज़र आता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमें अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश US पे हम एंटर बटन दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंटर बटन दबाने के बाद नेक्स्ट विंडो हमारे सामने आ जाएगी, प्रेस एंटर टू इंस्टॉल और अपग्रेड ReactOS। तो हमें इंस्टॉल ही करना है तो हम एंटर बटन यहाँ पे दबाएंगे। फिर से एंटर बटन दबाने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू ReactOS सेटअप, तो एंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे फिर से। देन यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट दीज डिवाइस सेटिंग्स, जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पे ऊपर हैं वही सेम उसी के साथ आगे चलेंगे और एंटर बटन यहाँ पे दबाएंगे। ओके, यहाँ पर एंटर बटन दबाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आ रहा है जिसमें अर्न पार्टीशन स्पेस हमें 30 GB की समथिंग बता रहा है जो कि हमने यहाँ पे वर्चुअल हार्ड ड्राइव स्पेस यहाँ पे दिया था। तो हमें यहाँ पे कोई अदर पार्टीशन क्रिएट करना नहीं है, अदरवाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहीं पर ही एंटर बटन दबा देंगे। देन इसके बाद फॉर्मेट पार्टीशन एज फेड फाइल सिस्टम, इस पर एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे सेटअप विल नाउ फॉर्मेट द पार्टीशन, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, जस्ट एंटर बटन आपको दबाना है यहाँ पे। और यहाँ पर फिर से आपको एंटर बटन दबाना है क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर आपका सिस्टम जो है कॉपी कर रहा है फाइल्स को, यानी कि इंस्टॉल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पर इस इंटरफेस को देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिन्होंने XP ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया हो पहले, उन्हें यहाँ पर XP ऑपरेटिंग सिस्टम की याद आ जाएगी क्योंकि ये इंटरफेस सेम वैसा का वैसा है। इसके बाद यहाँ पर नया ऑप्शन यहाँ पर आपके पास आ गया, इंस्टॉल बूट लोडर ऑन द हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर आप पहले ही ऑप्शन पर एंटर बटन दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे अब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, यानी कि वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी और आपको फिर से यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये आपका बूट हो जाएगा। ओके, बूट होने के बाद आपके पास यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा ReactOS का, आपको इसमें जाना है ReactOS पे, यानी कि आप एंटर बटन दबाएंगे। ReactOS पे एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर ReactOS आपका बूट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बार बार एक कैप्चर की स्क्रीन यहाँ पे आ रही है। तो जैसे ही अगर आप वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पर अगर आप माउस इंटीग्रेशन चाहते हैं, यानी कि अपना माउस यूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आप अपने माउस पॉइंटर को वर्चुअल मशीन की स्क्रीन पर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन की स्क्रीन से बाहर आना हो, माउस पॉइंटर को बाहर लाना हो, तो आप राइट कंट्रोल दबाते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला कंट्रोल। तो ये छोटी सी जानकारी, इंस्टॉलिंग प्रोसेस आगे चलता है और कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू होने के बाद नेक्स्ट की विंडो आती है, नेक्स्ट करते हैं, देन अगेन नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से ReactOS सर्वर की जगह हम वर्क स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम किसी तरीके का सर्वर वर्क यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेम अपना डाल देते हैं यहाँ पे, आपका जो भी पर्सनलाइज नेम है या फिर पर्सनलाइज कंप्यूटर का नेम आप डालना चाहते हैं। देन उसके बाद कंप्यूटर नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, अंडरस्कोर का यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट दबाएंगे, टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कंट्री से आप हैं, फिर जिस भी टाइम जोन से आप हैं, या फिर कह सकते हैं कि जिस भी टाइम जोन में आपकी कंट्री आती है या फिर लोकेशन आती है, वो आप टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पर आपके पास थीम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आता है, क्लासिक थीम आती है, लोटस थीम आती है, लुनार थीम आती है। तो मैं यहाँ पे क्लासिक थीम के साथ ही यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ क्योंकि यही मुझे बेस्ट लग रही है। तो हमने क्लासिक थीम सेलेक्ट करी, आगे बढ़े, टिपिकल सेटिंग्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं और नो दिस कंप्यूटर विल बी पार्ट ऑफ अ वर्क ग्रुप के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किया रजिस्टरिंग कंपोनेंट्स की, यहाँ पर हमारे पास विंडो आई, देन इसको हम फिनिश कर देते हैं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा रिएक्ट ओएस शट डाउन हो रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद हम डायरेक्ट रिएक्ट ओएस में लॉगिन कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो रिएक्ट ओएस पे हम एंटर बटन दबाते हैं, एंटर बटन दबाने के बाद रिएक्ट ओएस हमारा जो लोडिंग विंडो है रिएक्ट ओएस की आ रही है और उसके बाद यहाँ पर रिएक्ट ओएस हमारा लॉगिन हो गया है। ठीक है, ड्राइवर्स यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया और ये है हमारे रिएक्ट ओएस का इंटरफेस। स्टार्ट बटन में आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स वगैरह सब यहाँ पर सेम वैसे ही आ रहे हैं जैसे विंडोज़ एक्सपी में हमको मिलते थे। सेम वही ऑप्शंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वैसा ही लगभग फील आपको यहाँ पर आएगा अगर आपने एक्सपी यूज़ किया है तो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेम वैसा ही फील आएगा। कंट्रोल पैनल की विंडो भी आप देख सकते हैं सेम वैसी की वैसी है। और ज़्यादा फील लाने के लिए मैं इसमें लगभग वैसा वॉलपेपर लगा देता हूँ जैसा एक्सपी में आता था। तो प्रॉपर्टीज़ में से आप देख सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में से हम यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर लगा देते हैं जो लगभग विंडोज़ एक्सपी जैसा है। तो अब आप लुक देखिए इसका कैसा आ रहा है। अभी आप कह रहे होंगे कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे इंस्टॉल करके बता देता हूँ। नेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी मिली रही है हमको हमारे सिस्टम से। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है रिएक्ट ओएस एप्लीकेशन मैनेजर का। इस एप्लीकेशन मैनेजर को आप ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको मिलती है काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी जिसको आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन याद नहीं भी आ रही हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है। देन लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर आपको ऑडियो से रिलेटेड एप्लीकेशन चाहिए, वीडियो से चाहिए, ग्राफिक्स से चाहिए, तो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो अभी देख सकते हैं आप ग्राफिक्स में इरफान व्यू वगैरह, यानी कि फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करने वाली एप्लीकेशन सभी अवेलेबल है। तो अभी के लिए हम ब्राउज़र यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले कि हम ब्राउज़र कौन सा यूज़ लें, तो इंटरनेट एंड नेटवर्क में जाने के बाद मोज़िला फायरफॉक्स 48 वर्जन हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें लाइट वेट सॉफ्टवेयर्स ही यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कुछ ऐसा टास्क रहता है जिसे आप विंडोज 7 या फिर एक्सपी पर ही कर पाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप यूज़ ले सकते हैं सिक्योरिटी के साथ। तो इसमें मोज़िला फायरफॉक्स फिलहाल के लिए इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट आपको सेलेक्ट करके ऊपर इंस्टॉल बटन दबाना था, देन नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो मोज़िला फायरफॉक्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और फिलहाल के लिए मैं इसको रन नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ और ड्राइवर्स वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। ड्राइवर्स आप देख सकते हैं, ड्राइवर्स यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइब्रेरीज आपको काफ़ी सारी मिल जाती है, यानी कि किसी तरह की दिक्कत तकलीफ आपको नहीं आने वाली क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। जस्ट आपका सिस्टम इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट होना चाहिए और आप काफ़ी कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। थीम्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती है अलग अलग तरीके की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा मोज़िला फायरफॉक्स, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप इसमें जो चाहें वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लाइट वेट वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे विकिपीडिया रन करता हूँ, विकिपीडिया यहाँ पे इजीली रन हो रहा है। इसी के साथ ये था आपका रिएक्ट ओएस जिसको आप यूज ले सकते हैं विंडोज के अल्टरनेटिव तौर पर। और चलिए अब इसको मैं आपको शट डाउन करके भी दिखा देता हूँ। इसका शट डाउन फील भी सेम वैसा ही है जैसा विंडोज़ एक्सपी का था। शट डाउन पे क्लिक किया मैंने स्टार्ट डाउन पे और यहाँ पर जो विंडो आई है सेम वैसी ही है। तो गाइज ये था रिएक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका फील एंड यूज केस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही है। तो आपको कैसा लगा इस पूरे प्रोसेस को देखकर, कैसा फील हुआ ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसको यूज करना चाहें वर्चुअल मशीन में तो यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है, जैसे ही विंडोज इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि रिएक्ट ओएस को डेवलप ही इसलिए किया गया है कि विंडोज प्रोग्राम को इस पर रन किया जा सके। हालांकि अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर डेवलपमेंट स्टेज पर है, हो सकता है कि आप जितना स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी स्टेबिलिटी ना मिले, लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंथुसियास्ट हैं, आपको नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करना पसंद है, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी पहुंचे और वो इसको ट्राई करें, और जो सीखना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो इसको कस्टमाइज करके और भी कुछ सीख सकते हैं।
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।